जिला योजना कार अधिकारियों द्वारा लाडवा डेरा में बनाई गई अवैध तरीके से मनफोन सिंह की 3 एकड़ कॉलोनी में पीला पंजा चलाया गया, जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पीले पंजा द्वारा अवैध कॉलोनी में बनाई गई मकानों के लिए नींवों को जड़ से उखाड़ा गया। जिला योजनाकार अधिकारी सतीश कुमार पुनिया ने बताया कि मनफोर सिंह द्वारा अवैध तरीके से इस कॉलोनी को काटा गया था, जिसकी शिकायत मिल रही थी, उसको लेकर प्रशासन की ओर से पीला पंजा चलाकर कार्रवाई की गई है और कॉलोनी में काटे गए प्लाटों में जो नीवा भरी हुई थी उनको पीले पंजी के साथ गिराया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर लाडवा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में मौजूद रहा। वहीं मजिस्ट्रेट के रूप में लाडवा VDPO कवर भार नरवाल भी उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल से नरेश गर्ग जी की रिपोर्ट लाडवा से। ये मनफूल सिंह के नाम से हमने इनको नोटिस दिए थे और ये कॉलोनी जो है विभाग के जो नियम हैं कायदे कानून हैं उनको उल्लंघना में किए हैं इन्होंने, कोई लाइसेंस नहीं लिया और अवैध रूप से ये पनपने लग रही थी। इसके हमें शिकायतें मिली और शिकायतों पे तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन की मदद से हमने इसको कार्रवाई की। कितने एकड़ में ये कॉलोनी बसी हुई? इसमें करीबन 3 एकड़ के अंदर ये कॉलोनी है और इसके अंदर नीवें वगैरह लगाई गई हैं, इनिशियल स्टेज पर है अभी।